लखीमपुर खीरी जाने से रोके गए अखिलेश यादव। लखनऊ में अखिलेश के घर के बाहर जमकर बरपा हंगामा। पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में लिया तो गाड़ी के आगे आ गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अखिलेश यादव के घर के बाहर प्रदर्शन के दौरान जलाई गई गौतमपल्ली पुलिस की गाड़ी। अखिलेश का आरोप, पुलिस ने खुद जलाई होगी गाड़ी। अखिलेश यादव की मांग, लखीमपुर हिंसा में तय हो जवाबदेही। कानून व्यवस्था आखिर किसकी जिम्मेदारी? गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। अखिलेश यादव ने की मांग, मृतक किसानों के परिजनों को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा दे सरकार। कहा, किसानों पर इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लखीमपुर हिंसा में एक और वीडियो सामने आया। नेताओं की गाड़ी पर हमला करते दिखे प्रदर्शनकारी। हमले के दौरान गाड़ी पलटने का सुनाई देता रहा शोर। जहां पर प्रदर्शनकारी गाड़ी पर हमला कर रहे थे, वहीं सड़क के नीचे गड्ढे में बेजान पड़े दिखे कुछ लोग। कुनिया इलाके में हुई किसानों की मौत पर किसान नेताओं का आरोप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों पर चढ़ाई गाड़ी। लखीमपुर हिंसा में पुलिस ने दर्ज की FIR। मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर दर्ज हुआ केस। आशीष मिश्रा का सामने आया वीडियो। बनवारीपुर दंगल में रेफरी की भूमिका में दिखे आशीष मिश्रा। हिंसा की घटना के वक्त के वीडियो किए दावा। मंत्री के बेटे आशीष ने किसानों पर कार चढ़ाने के आरोपों से किया इनकार। कहा, सुबह से शाम तक अपने पैतृक गांव में था। 9 बजे से लेकर शाम को समापन तक का प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक पाठशाला बनबीरपुर, जहां पर हर साल दंगल का आयोजन होता है, वहां पर मैं था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी कहा, मौके पर मौजूद नहीं था मेरा बेटा, चाहे तो करा ले न्यायिक जांच। तो ईश्वर की कृपा है, नहीं तो कभी कभी आदमी बीच में थोड़ी देर के लिए चला भी जाता है, लेकिन आज वो कभी भी कहीं भी नहीं गए। सारे फोटो और वीडियो में सारे प्रमाण हैं और सारे लोग हैं जो वहां पर उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। खूनी जंग के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव। लखीमपुर खीरी पहुंचे आला अधिकारी। PMC की तैनातियां कंपनियां तैनात। इंटरनेट सेवा बंद। सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग। लखीमपुर हिंसा पर जताया दुख। मृतकों को 45 लाख रुपए मुआवजा देगी सरकार। मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी का वादा। लखीमपुर हिंसा में घायलों को 10 लाख रुपए देगी योगी सरकार। मामले की होगी न्यायिक जांच। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। पार्टी चाहे BJP हो या SP, दोषियों पर होगी कार्रवाई। वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रियंका गांधी की पुलिस को छकाकर लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने सीतापुर में लिया हिरासत में। रात भर चला लुका छिपी का खेल। पुलिस ने प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोका। प्रियंका ने कहा, किसानों की आवाज दबाने की कोशिश। एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है और ये देश किसानों का देश है। रात 12 बजे से सुबह 5:30 बजे तक चला लुका छिपी का खेल। प्रियंका को बसों में तलाशती रही पुलिस। प्रियंका ने हिरासत में लिए जाने का किया विरोध। देर तक पुलिस से हुई नोकझोंक। हिरासत के दौरान और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित और महिलाओं में सब कुछ छू के देखो, मुझे जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वॉलेट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं हिरासत के दौरान सीतापुर गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगाते देखी प्रियंका गांधी। बीजेपी को दी चुनौती, ये देश संविधान से चलेगा, बीजेपी की विचारधारा से नहीं। प्रियंका गांधी ने रोके जाने पर बीजेपी से किया सवाल, पीड़ितों के आंसू पोंछने जाना कौन सा गुनाह? प्रियंका को हिरासत में लेने पर सीतापुर में धरने पर बैठे कार्यकर्ता। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, कहा, इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। मायावती ने हाउस अरेस्ट का लगाया आरोप। कहा, लखीमपुर खीरी जाने से रोका जा रहा है। लखीमपुर खीरी जा रहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पुलिस ने सीतापुर में रोका।
संजय सिंह को रोके जाने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, किसान परिवार के आंसू भारी पड़ेंगे योगी जी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल फ्लाइट से पहुंचे लखनऊ, लेकिन फ्लाइट को आमोसी हवाई अड्डे पर लैंड नहीं करने दिया गया। भूपेश बघेल ने यूपी आने से रोके जाने का लगाया आरोप, ट्वीट में योगी सरकार से किया सवाल, लखीमपुर धारा 144 लागू है तो लखनऊ आने से क्यों रोका गया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की फ्लाइट को लखनऊ में लैंड करने की नहीं मिली इजाजत। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा बिना पीड़ितों से मिले नहीं जाएंगी प्रियंका, बोले अराजक हो गई है योगी सरकार, क्या विरोध करने वालों को प्रदेश में गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में कल हुई हिंसा में बहराइच के दो व्यक्तियों की गई थी जान, आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे दोनों मातम में डूबे परिवार। लखीमपुर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत ने मंत्री अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप। ताजा पूरा मंत्री का इसमें हाथ है, उसके लड़के का हाथ है, उसने यहाँ पर हत्या ही करी है। घटना के बारे में बता दिया, पूरा मंत्री का इसमें हाथ है, उसके लड़के का हाथ है, उसने यहाँ पर हत्या ही करी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव को भी लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया, पुलिस ने हिरासत में लिया। मुरादाबाद में टोल प्लाजा पर रोके गए लखीमपुर खीरी जा रहे किसान, वाहनों की लगी लंबी कतार। हापुड़ टोल प्लाजा पर गाड़ियों की डिग्गी खोलकर चेकिंग करती दिखी पुलिस, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। नोएडा ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से जोड़ने वाली डीएनडी पर भी सुबह लगा जाम, पुलिस की चेकिंग से वाहनों की लगी 5 किलोमीटर लंबी कतार। गाजियाबाद से दिल्ली आने वाली सड़क पर किसानों का धरना, आसपास के इलाकों में लगा जाम। मेरठ में कमिश्नर के दफ्तर के गेट पर प्रदर्शन के लिए जुटे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस ने हटाया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर सीएम योगी को लिखा पत्र, लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने पर हृदय विदारक बताया। वरुण गांधी ने योगी को लिखे पत्र में किया जिक्र, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के ठीक एक दिन बाद हुई हिंसक घटना सभ्य समाज में क्षम्य नहीं। वरुण गांधी की मांग, पीड़ित परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। लखीमपुर जाने से रोके गए आरएलडी नेता जयंत चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर में टोल नाके पर रोके जाने के दौरान गाड़ी से उतरकर भागते दिखे जयंत चौधरी। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर को भी लखीमपुर जाने से रोका गया, खैराबाद में चंद्रशेखर को हिरासत में लिया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 8 की मौत। हिंसक झड़प में 4 किसानों की मौत, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और मंत्री के ड्राइवर की भी मौत। लखीमपुर खीरी में तिनसुकिया में एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे केशव प्रसाद मौर्य, किसानों ने पहले पहुंचकर शुरू किया प्रदर्शन। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिखाए काले झंडे, प्रदर्शन के दौरान किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच शुरू हुई झड़प, खूनी जंग में तब्दील। झड़प के दौरान जमकर पथराव, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की कार सहित कई गाड़ियों में आगजनी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, उत्तर प्रदेश बना नया जम्मू कश्मीर। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सच सामने नहीं आने देना चाहती बीजेपी, इसलिए लोगों को लखीमपुर जाने से रोक रही। अंबाला में किसानों ने किया प्रदर्शन, यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा का किया विरोध। अमृतसर में दिखा यूपी के लखीमपुर में हुई हिंसा का असर, बीजेपी नेता तरुण चुग के आवास पर किसान मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ बेंगलुरु में लेफ्ट पार्टियों और मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की कोर्ट में पेशी आज, पेशी से पहले पर आने लाने से पहले एनसीबी ने कराई मेडिकल जांच। क्रूज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी ने आर्यन को किया था गिरफ्तार, फोन पर पिता शाहरुख से बातचीत में फूट फूट कर रोया आर्यन। एनसीबी की हवालात में गुजरी आर्यन खान की रात, एनसीबी की मांग पर कोर्ट ने दी थी 1 दिन की रिमांड। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट सहित तीनों आरोपियों की जमानत पर आज होगी सुनवाई, याचिका दाखिल करने की तैयारी में है वकील। अदालत में आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे की दलील, आर्यन के पास से बरामद नहीं हुई ड्रग्स, अरेस्ट मेमो में इस बात का जिक्र। सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में कहा अपनी तरफ से पार्टी में नहीं गए थे आर्यन, बल्कि बुलाया गया था। एनसीबी के वकील ने माना आर्यन पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप, जबकि अरबाज मर्चेंट और मुनमुन पर ड्रग्स रखने का भी आरोप। एनसीबी ने श्रेयर
नायर नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया। आर्यन और अरबाज मर्चेंट से नायर की चैटिंग मिलने पर पकड़ा गया। एनसीबी सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट पर पार्टी के दौरान रखी जा रही थी नजर। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन ने आर्यन और अरबाज को दिया था कॉम्प्लीमेंट्री रूम, अंदर जाने से पहले ही एनसीबी ने रोका। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अरबाज के जूतों में से बरामद हुई चरस मोबाइल चैट से हुई दोनों के बीच चरस लेने की बातचीत की पुष्टि। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट जिस ड्रग पेडलर के संपर्क में थे उनकी एनसीबी को थी लंबे समय से तलाश।